श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक एमटेक एमसीए एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इस समय प्रत्येक जिले की प्रत्येक थाने और चौकी की टीम कुछ इसी तरीके से हाथ में मशीन लेकर धड़ाधड़ फोर व्हीलर वालों का चालान काट रही है। ये नज़ारा मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने का है, जहां पर एक क्रेटा वाले का चालान पुलिस की टीम ने काटा। केवल क्रेटा वाले नहीं अपितु फोर व्हीलर, जो चाहे लोडिंग ऑटो हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, उन सभी का चालान काटा जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का हवाला दिया जा रहा है। सीट बेल्ट के अलावा अन्य जो नियम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको लेकर चालानी कार्रवाई लगातार पुलिस विभाग की टीम करती हुई नजर आ रही है। खंडवा जिले में आपको बता दें कि 22 चौकी और थाने हैं, हर थाने की टीम इसी तरीके से चालान काट रही है। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश दिया, जिस पर खंडवा SSP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सभी थाने और चौकी की टीम को निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय के आदेश का पालन किया जाए। और इसी आदेश का पालन खंडवा की कोतवाली थाने की टीम भी कर रही है, मोगट भी कर रही है, पदमनगर भी कर रही है और जिले के सभी थाने और चौकी की टीम कर रही है। फोर व्हीलर वालों में हड़कंप भी मचा हुआ है। आज कोतवाली थाने की टीम ने लगभग 12,000 रुपए के चालान काटे हैं और प्रतिदिन इसी तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 20 से 30 गाड़ियों के चालान प्रतिदिन हर थाने और चौकी की टीम काट रही है। कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है, और इसके साथ साथ टू व्हीलर वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप है। कुछ लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, कुछ लोग हमेशा की तरह इसको नेगेटिवली देख रहे हैं। नेगेटिव इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आम जनमानस को ऐसा लगता है कि इस कड़ी में ना ही पुलिस वालों के चालान कटते हैं, ना ही पत्रकारों के कटते हैं, ना ही नेताओं के कटते हैं, ना ही पुलिस विभाग के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के कटते हैं तो सिर्फ आम गरीब आदमी के। ये लोडिंग ऑटो में बैठे हुए लोग थे जो कहीं पर जा रहे थे, आप देख रहे हैं लोडिंग ऑटो भी खड़ा हुआ है, मैजिक जिसे बोलते हैं, लाइन से खड़ी हुई हैं। इन ये जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, कुछ गाड़ियाँ सेठ की हैं जिनके 200-500 रुपये के चालान कटने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसे गरीब लोगों की भी होती हैं जिनको 500 रुपए के चालान से भी फर्क पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इमोशंस का कोई काम नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नियम कानूनों की बात चलती है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अच्छा तब हो जब नियम कानून आम आदमी के अलावा VVIP, VIP और अच्छे खासे प्रोफाइल के विरुद्ध भी मनवाए जाएं, तब जाकर न्याय की बात हो। बहरहाल जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह की बातें होती ही हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा, आम आदमी ऐसे ही दुखी होते रहेगा। नियम कानून का हवाला देकर ऐसी कार्रवाई होती रहेंगी और होती रही हैं। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए, 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं।